नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी और अब तक पूरी दुनिया में कोरोना को हराया नहीं जा सका। कोरोना को लेकर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जी जान से जुटे हुए। इसी बीच अब कोरोना को लेकर खुशखबरी आने लगी। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने अब एक नई खोज की है जिसमें वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के प्रोटीन को रीडिजाइन किया। मतलब ये कि वायरस के उस स्पाइक प्रोटीन को फिर से बनाया है जो मानव कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें संक्रमित करता है। उम्मीद की जा रही है कि इस जानकारी से वैक्सीन विकसित करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्यादातर कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को पहचानकर संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को प्रशिक्षित कर रहे हैं। जर्नल साइंस में प्रकाशित नई स्टडी के अनुसार वैज्ञानिकों ने स्पाइक प्रोटीन का एक नया वर्जन तैयार किया जिसे सिंथेटिक एस प्रोटीन की तुलना में कोशिकाओं में 10 गुना अधिक उत्पादित किया जा सकता है। अभी बन रही ज्यादातर कोरोना वायरस वैक्सीन में सिंथेटिक एस प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्सास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और स्टडी के प्रमुख लेखक जेसन मैकेलन की माने तो वैक्सीन के प्रकार के आधार पर प्रोटीन का ये हाइब्रिड एडिशन डोज कम कर सकता है और वैक्सीन के उत्पादन में तेजी ला सकता है। इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को वैक्सीन जल्दी मिल सकेगी। हेक्साप्रो नामक नया प्रोटीन एस प्रोटीन के पुराने एडिशन की तुलना में अधिक स्थायी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने का जरिया आसान बनाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कहा कि नया प्रोटीन कमरे के तापमान पर हीट स्ट्रेस के तहत भी अपना आकार बना रखता है जो किसी भी प्रभावी वैक्सीन में जरूरी। वैज्ञानिकों ने इनमें से 4 उपयोगी और अपने वास्तविक एस प्रोटीन से 2 मॉडिफिकेशन को लिया और उन्हें मिलाकर हेक्साप्रो तैयार किया। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं तो कुछ ही सही, लेकिन वैज्ञानिक कोरोना की तोड़ खोजने में सफल हो रहे हैं। देखना होगा कि आगे वैज्ञानिक किस तरह कोरोना को हराने में कामयाब होते हैं।